गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो? मैं हूँ बहुत ही अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आप लोगों का मेरे चैनल स्वाति लाइफ ऑफिशियल पे हार्दिक स्वागत है। और गाइज देखो, मैंने पीछे वाले ब्लॉग में देखा था ना कि मैंने एक प्रैंक करने की सोची, और गाइज मेरे साथ ही कुछ हो गया। ये देखो, सब निशान पड़ गया यहाँ मैंने। और उस प्रैंक करने के बाद मैंने इतनी बर्फ़ रगड़ी है ना, बस पूछो ही मत। काफ़ी बार मुंह धोया और मुंह धोते होते मेरी ये बिंदी भी निकल गई, तो मैंने दोबारा लगाई नहीं। मैं कब तो सोना ही है, तो फिर हम लोग मैंने सोचा कि मैं ना लगाऊँ। तो गाइज अभी का मैंने ब्लॉग स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हम लोग जाएंगे मेरी नानी के घर। नानी के घर हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे देवर का है बर्थडे वहाँ पे कल का, तो हम लोग कल ही जाएंगे। और ये है पूरी फैमिली के लिए सरप्राइज़, क्योंकि ना तो मेरी मम्मी को पता कि हम लोग पहले नानी के घर जाएंगे और फिर आगे की यात्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो मम्मी को यही पता है कि हाँ ये कहीं जा रहे हैं, बस इतना ही पता है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि मम्मी पहले हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे फिर कहीं जाएंगे, तो इतना नहीं पता मम्मी को। मम्मी को भी वहाँ जाने के बाद नानी फ़ोन करेंगे कि ये लोग यहाँ पहुँच गए अचानक, ये तो मना कर रहे थे आने के लिए। हम लोगों ने साफ मना कर दिया, नानी मामी मामा सब इतना फोर्स कर रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। फिर मैं सोचा कि चलो चलते हैं, पर उनको मैंने यही बोला कि नहीं, हम लोग कहीं और जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैंने कुछ कुछ जो भी बहाने मारने थे मार दिए। और गाइस ऐसा है कि पहले मैं बैठ जाती हूँ मंदिर के पास ही। हाँ, अब बात करती हूँ। और पीछे देखो, मेरी अलमारी खुली पड़ी है इस। तो गाइस पीछे आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरी अलमारी खुली है, और मैं अभी पैकिंग कर रही थी जाने के लिए, कुछ सामान नानी के लिए, नानी के मुझे क्या पहनना है वो अलग। तो ऐसे ऐसे करके हमारे दो बैग पैक हो चुके हैं और अब हम लोग निकलेंगे। सुबह निकलना है, बाकी पैकिंग तो अभी करेंगे तो ही तो टाइम से सुबह निकल पाएंगे, सुबह घर का काम करके फिर उसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे। और गाइस मैं कल साड़ी पहन के जाऊंगी मेरी नानी के घर, तो उसके लिए मुझे और भी जल्दी काम करना पड़ेगा और फिर रेडी भी होना पड़ेगा। साड़ी पहनने मुझे हमेशा टाइम लग जाता है, और अब मैं सारा कुछ सेट करके सोऊंगी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने पैकिंग स्टार्ट कर रखी और खाना भी नहीं खाया। मैं सोचा कि पहले पैकिंग कर लूँ, इसकी टेंशन ख़त्म हो, फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। और अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या कैसे क्या रूम की हालत है। ये देखो, विशाल जी कर रहे हैं काफ़ी देर से। एक सेकंड, फ़ोन आ गया। मैंने कट कर दिया क्योंकि मैं सोचा कि पहले ब्लॉग शूट किया जाए। तो ये दोनों बैग मैंने अभी पैक करना, अलमारी अभी खुली है, कभी सोच रही हूँ वो निकालो, कभी सोच रही हूँ ये निकालो, समझ नहीं आ रहा क्या क्या सामान पैक करना क्या क्या नहीं। जब तक जाऊँगी ना तब तक पैकिंग मेरी ऐसे ही चलती रहेगी। और अभी के लिए बस इतना ही, और मेरे व्लॉग में बने रहे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तड़कता भड़कता व्लॉग होने वाला है गाइस, क्योंकि पूरे परिवार के लिए सस्पेंस है कि इधर वालों को लग रहा है कि ये लोग घूमने जा रहे हैं, उधर वालों को भी पता है कि ये लोग घूमने जा रहे हैं, पर हम लोग अभी नहीं जा रहे घूमने। हम जाएंगे, आप लोग व्लॉग में बने रहोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ गए, क्या मज़ा किया क्या नहीं किया, सब आप लोगों को व्लॉग में दिखने को मिलेगा। इसीलिए व्लॉग में बने रहेंगे गाइस। ओके, अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा काम, फिर मिलती हूँ आपसे। पैकिंग हमारी हो चुकी है, एक ये वाला बैग डन हो चुका है और एक बैग मैंने रख दिया है इधर की तरफ, ये रखा दूसरा बैग। यहाँ भी चुकी और खाना भी खा लिया, और अब हम सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे और जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। ओके, गुड नाइट। अभी के लिए ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी के लिए जस्ट गुड नाइट। गाइस गुड मॉर्निंग, और मैं उठ चुकी थी, काम हमारा सारा हो चुका है, बस जाने की तैयारी है। मैं एक बार नहा लेती हूँ, और आने से पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं आज कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। देखो रुको, ये है मेरी साड़ी, ये देखो, ये इसका पेटीकोट और ये साड़ी, ये आज मैं पहन के जाऊँगी। ये चूड़ियाँ भी सेट कर ली है मैंने, और फिर अब तैयार हो जाती हूँ फटाक से, और फिर अब मैं रेडी होते होते आप लोगों से मिलूँगी। रुको, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बैग भी मेरे ये रहे। विशाल जी एक छोटा सा काम करके आ रहे हैं, फिर हम निकलेंगे। और वहाँ से मामी का फ़ोन आ रहा है, नानी का फ़ोन आ रहा है, आ क्यों नहीं रहे, यहाँ भी नहीं पता किसी को भी। और बस देखो, आज का ब्लॉग बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, और मैं आप लोगों को पूरा लुक दिखाती हूँ, मेरी साड़ी बताना कैसी लगी। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं और विशाल जी भी हो चुके हैं रेडी। कैसी लग रही हूँ आज मैं, आप बताओ। क्या
कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ मैं बता देंगे कमेंट में, आप बताएं। मैं क्या बताऊँ कमेंट में? बता कमेंट में बताऊँ गाइस जी की बात समान बता। हाँ क्या सुतरी का तो स्मार्ट नहीं लग रहा। ओके गाइस मैं सुंदर लग रही हूँ बस। अब चलते हैं, बस मेकअप खत्म नहीं हुआ, लेट हो रहे हैं हम लोग। ओह माय गॉड, मेरे क्लेक्चर से बाल बाए जा रहे हैं। वाओ थैंक्स टू मी। ये गाइस धूप बहुत ज्यादा है, मैंने मार लिया है डाटा। ओह माय गॉड जिंदगी उतर गई मेरी तो। है क्या कंडी? हाँ है। और हम लोग आ गए थे श्री श्याम वाले के हिमांशु के लिए टी शर्ट लेने के लिए। अब फटाफट ले लें। ले लिए हम लोगों ने टी शर्ट और अब चलते हैं, अब फ्रूट और लेने हैं बस, और फिर नानी के पास सरप्राइज दें आड़ू लेने। ना 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 इस रेडी से हम लोगों ने फ्रूट भी ले लिया। फ्रूट में लिए आम केले, एक तो ये ले लिया और एक हमने बैग में रख लिया आगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा संभाला नहीं जाएगा। मंजिल पास आ रही है हमारी। हम लोग आ गए हैं मेरी नानी के घर और ये स्टार्ट हो गया घर, और विशाल जी आने लग रहे हैं चुपचाप। मेरे को लग रहा है सो रहे अंदर के सारे लोग। अंदर वाला गेट तो बंद है। ये ले फ्रूट पकड़। चोरों की तरह अंदर घुसते हुए पकड़ पकड़ हुए। बस अब तड़ा भी लगाएगा गेंद के। बस चलो 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 कटक कटक मेरी हील्स बोलने लग रही है। अंकित को बता रखा था हम लोगों ने, अब वो शूट करेगा मेरा व्लॉग। ये देखिए गाइस डरपोक व्लॉगर चले जय छोड़ दे। ये देखिए गाइस ये देखिए गाइस इतनी छोटी ही थिएटर की आपकी व्लॉगर को नहीं खेलता है। ओ तो कुत्ते वही होते होते हैं। बात है ना, तू जड़ पकड़ दे कि मेरे को नहीं गंदी।
सूदी गति कुंजल पकड़ ले ले ले, ले, ले और बोल उठा भी दूंगा ले और बस तू बिल्कुल इसको नो के सूदी गति ये देखो गाइस आपके लोग डरते हुए चेरी मम्मी फोन पे कर दी सुन सुन द वीडियो बना दो फिर मैंने ना तेरी वीडियो हेटर और जागी मारी चैरिटर और जागी आज क्या गया ना बैठ बनी बैठ बनी हाँ करने ये से रास्ता बंद लिया भाई ये भगवान की कदम रखने पड़ेगी आप चेहरा बंद रखा तो पानी। देखो गाइस पानी भी नहीं पीने दिया चेरी ने इसको गाइस देखो ये कितने खुश हो रहे हैं मुझे चेरी से डरा कर कांगी वो चेरी देख लो वो कांगी अच्छा बांध दी ना क्यों बोल लिया बांध रख उसको देखो अब चेरी को बनाना खिलाया जा रहा है ऐसी डोगी मैंने कहीं नहीं देखी है इसकी फुल सेवा हो रही है ये देख लो एसी के कमरे में इसको रखते हैं देख लो इसकी फोटो खिंचवा दी चेरी कैसा लग रहा है इस घर में आके आपको मेरे बहुत खुश है पर मामा तो बहुत डिफरेंट जा रहे हैं ना बड़े फटाफट खा रही है बदमाश तो है ये बड़ी बड़ी भी लग रही है तो बड़ी भी होगी छोटी भी देखी थी तेना फोटो में छोटी थी कुत्ता आ गई मैं नानी के घर और दे दिया दोनों सासू बहू को सरप्राइज ये लोग आराम से सोने लगी थी पूरे एसी के मजे में और ऐसे कह रही कौन आ गई ऊंग ऊंग में कैसा लगा नानी मैंने आपको सरप्राइज दे दिया आके बढ़िया अच्छा लगा और मामी आप बताओ बहुत खुश हो गए हम तो हमारी बेटी आ गई तो गाइस ये वाला व्लॉग ना मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और जिसका बर्थडे के लिए हम लोग आए हैं वो अभी बाहर है वो शाम को आएगा तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे शाम को और उसके बाद मिलते हैं हम लोग ओके बाय बाय